आए थे ना रजत और शिम्पी पिछले हफ्ते, हाँ प्रॉपर्टी की बात छिड़ी तो दोनों मियां बीवी दौड़े चले आए। इस बार तो आप इसका तमाशा देखते, मेरे लिए लेकर आई साड़ी, इनके लिए सफारी सूट, हाँ इसको लग रहा है ये सब करके ये मुझे एक हिस्सा ज्यादा दे देंगे। मैं कहती हूँ दीदी, ये जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने थे तब कहाँ थे तुम लोग, हैं? आज जब हिस्से बट रहे हैं तो तुम कटोरा लेके डैडी डैडी कर रहे हैं। पहले शिम्पी ने मारे रजत को कब्जे में लिया, अब ये सोचती है हमारा मकान कब्जे में ले ले। हाँ ये यही चाहती है कि हम सड़क पे आ जाए। शिम्पी होने का तो खुद का मकान भी नहीं है मेरा ख्याल है, हाँ एक छत डाल के दो कमरे बना रखे, तभी तो इसने रजत को फंसाया है। पैसा देखा और क्या, शिम्पी की माँ इस रिश्ते से कभी राजी नहीं थी, वो तो जिस दिन वो लेडी मेरे घर आई उसने देखा रहे इनका तो 4 मंजिलों का मकान है, फिर जाके उसने हाँ करी है। शिम्पी गई होगी ये रजत की बहन क्या प्रियंका के यहाँ, तो कहती वाह दीदी आपने तो क्या मकान बना लिया है, बड़ा सुंदर है। वो दिन है और आज का दिन है, उसके मकान की शाइन चली गई। रजत मुझे क्या कहता, ताई जी शिम्पी को तो प्रॉपर्टी पैसों का कोई लालच नहीं है, वो तो बस आप लोगों की मदद करना चाहती है। बताओ अभी पीछे इनके साथ फाइलें लेके बैठ गई, डैडी मैं बताती हूँ मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी, इन्होंने पलट के कह दिया हाँ बेटा ताकि तुम मुझसे गलत जगह साइन करा ले। भाग गई फिर, इतनी सी बात पर उसने तमाशे खड़े कर दिए, लालचन बड़ी है ये, हाँ इसकी शुरू से ही हमारी कोठी पे नजर है, ये कहती है सब कुछ मुझे मिल जाए। अब अपनी तो देखो उम्र हो गई है, ना किसी की बुराई होती है ना छल कपट, बच्चों की अपनी मर्जी है प्रॉपर्टी का जो करना करे, आह हमें क्या करना।